और केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इज रिएक्शन विद वाटर, एंड विद वाटर दे एक्ट एज बेस। हाउ? देखिए, जितनी भी एमीन्स हैं, चाहे वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, मैं ये जगह छोड़ रही हूं, सबके ऊपर देयर इज प्रेजेंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट कैन डोनेट इट। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल फॉर डोनेशन, मींस इट इज इलेक्ट्रॉन रिच। इट इज इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच है तो क्या हुआ? लुईस बेस, राइट? तो जितनी भी एमीन्स हैं, दे आर लुईस बेसिस। और देखो, वाटर के साथ रिएक्ट करके ये क्या कंपाउंड बनाते हैं? दे रिएक्ट विद वाटर बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर, देयरफॉर एक्ट एज बेस। कैसे? देखते हैं। अभी ये है मेरे पास प्राइमरी एमीन, राइट? और ये रहा वाटर। वाटर से निकला एच पॉजिटिव किसके पास जाएगा? इस लोन पेयर के पास। तो वाटर में से एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव, राइट? तो ये बन गया आर एन एच थ्री। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी हो गई 4, इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज और इसके साथ क्या लग जाएगा? ओ एच नेगेटिव। तो इसने क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बना दिया, ठीक है? तो दिस इज, अब यहां पे अमोनियम का हाइड्रोक्साइड बन रहा है, एल्काइल ग्रुप लगा है 1, तो दिस इज एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट? अगर हम लेते हैं सेकेंडरी अमीन, तो इट विल बी N2R2NH। दिस इज प्राइमरी सेकेंडरी अमीन। ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और क्या बना लेगी? R2NH। अब यहां पे एक H एक्स्ट्रा आ गया, टोटल 4 बॉन्ड्स हो गए, पॉजिटिव चार्ज और बाहर OH नेगेटिव। नाउ दिस इज डाई एल्काइल, है ना? डाई एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ओके। टर्शियरी अमीन R3N प्लस वाटर, यहां से एच पॉजिटिव इस लोन पेयर के पास, इट विल फॉर्म R3NH पॉजिटिव OH नेगेटिव। नाउ दिस इज ट्राई एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? तो ये थी प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शियरी अमीन। तो इस तरीके से दे एक्ट एज बेस, ठीक है? अब आप लोग R की वैल्यू पुट कर दीजिए C2H5, ठीक? तो यहां जिधर जिधर R लिखा है, अब मैं वहां वहां C2H5 लिख देती हूं। यहां था 1, यहां थे 2, यहां पे थे 3, ठीक है? तो ये बन गया C2H5। अब एल्काइल की जगह आप इसको क्या बोलोगे? इथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इधर 2 इथाइल ग्रुप, दिस इज डाई इथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इधर लगे हैं 3 ट्राई इथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं इनका स्ट्रक्चर खोल के बताती हूं। दिस इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के एक तरफ C2H5 और तीनों तरफ लग गई हाइड्रोजन और इसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज। इधर नाइट्रोजन के साथ 4 बॉन्ड, 2 जगह हाइड्रोजन और 2 जगह इथाइल। यहां नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड, 3 तरफ C2H5 और एक तरफ हाइड्रोजन।
और जब भी नाइट्रोजन तीन से ज्यादा बॉन्ड बनाएगी लोन पेयर क्योंकि डोनेट किया है तो इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे यहां पे मान लीजिए कोई भी हमारे पास एमीन थी, लेट इट बी आर एन एच टू, ये था लोन पेयर, इधर से आया एच पॉजिटिव, उसको ये चाहिए, ठीक है, तो ये बन जाएगा आर एन एच एच एच, जो इसका पॉजिटिव चार्ज था अब किसके ऊपर आ गया, नाइट्रोजन के ऊपर, इस तरीके से। तो दे रिएक्ट विद वॉटर एंड शो बेसिक नेचर, डन। अब नेक्स्ट बेसिक नेचर का कंपैरिजन देखते हैं, कौन ज्यादा बेसिक है, कौन कम बेसिक है, कौन सी एमीन ज्यादा रिएक्ट करेगी और कौन सी कम रिएक्ट करेगी। टू क्वेश्चन इज एलिफैटिक एमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया, व्हाई? आउट ऑफ इथाइल एमीन एंड अमोनिया विच इज मोर बेसिक, विच इज मोर बेसिक, या क्वेश्चन कैसे आएगा, इथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे, अगर तो सिंपल एलिफैटिक की बात करते हैं पहले, दिस इज आर एन एच टू, राइट, एंड दिस इज अमोनिया, क्लियर। लोन पेयर अमीन, इसके अंदर अमीन के ऊपर भी लोन पेयर, अमोनिया के अंदर भी, ठीक है। अब देखो प्लस आई इफेक्ट इन एमीन्स, इन एलिफैटिक एमीन्स, एलिफैटिक एमीन्स देयर इज प्रेजेंट एल्काइल ग्रुप हैविंग प्लस आई इफेक्ट, इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर नाइट्रोजन एटम, देयरफॉर बेसिक नेचर इंक्रीजेस, ठीक है। दूसरी साइड देयर इज नो ग्रुप अटैच्ड हैविंग प्लस आई इफेक्ट, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस देन एलिफैटिक एमीन्स, दस एलिफैटिक एमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया, क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन जर्नल आए तो आप ऐसे लिखेंगे, अब इथाइल एमीन की बात आ गई, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इथाइल एमीन, ये लीजिए, दिस इज इथाइल एमीन, ये इथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट, तो आप यहां पे लिखेंगे इन इथाइल एमीन, इन एथाइल एमीन देयर इज प्रेजेंट इथाइल ग्रुप हैविंग प्लस आई इफेक्ट, क्वेश्चन कंप्लीट, उधर वही रहेगा। जर्नल आता है तो आप सिंपल एल्काइल लिखेंगे और जब इथाइल अमीन के साथ आ रहा है तो आप ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कंपेयर बेसिक नेचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। मैंने इसके दो पेज बना लिए, ठीक है। अब देखो मेरे पास है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन, दिस इज आर एन एच टू, सेकेंडरी इज आर एन एच दो आर, टर्शरी इज तीनों तरफ एल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब मुझे इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, जिस किसी केस में बेसिक नेचर कैसे शो करेगा ये, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, ठीक है। देखिए सबसे पहला फैक्टर,
प्लस आई इफेक्ट, या मैं ऐसे कहूं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, फर्स्ट हम कंपैरिजन देंगे इसको ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, अब देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये मैंने जस्ट आपको पहले बताया। अब इंडक्टिव इफेक्ट में कंपैरिजन देखते हैं। आर एन एच टू, दो आर लग गए, इधर तीन आर लग गए। एक एल्काइल ग्रुप, दो एल्काइल ग्रुप और तीन एल्काइल ग्रुप। ठीक है, इसके घर में एक गिफ्ट आ रहा है, इसके घर में दो गिफ्ट्स आ रहे हैं, इसके घर में तो तीन गिफ्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ गिफ्ट्स इसके पास, ये रिच हो गया। ओके, ये सबसे पुअर। यहां पे अब इंडक्टिव इफेक्ट एक एल्काइल ग्रुप का, यहां दो का, यहां तीन का। ठीक है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर नाइट्रोजन एटम इंक्रीजेस, देयरफॉर लोन पेयर इज मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन। दैट इज बेसिक नेचर इंक्रीजेस। नाउ लार्जर इज द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू नाइट्रोजन एटम, मोर विल बी प्लस आई इफेक्ट एंड देयरफॉर मोर विल बी बेसिक नेचर। एज टर्शियरी एमीन हैज थ्री एल्काइल ग्रुप्स, सेकेंडरी एमीन हैज टू एल्काइल ग्रुप्स, प्राइमरी एमीन हैज वन एल्काइल ग्रुप, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर इज टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। टर्शियरी अमीन हैज थ्री एल्काइल ग्रुप, देयरफॉर मोस्ट बेसिक। इट हैज टू एल्काइल ग्रुप्स, देयरफॉर मोर बेसिक। ठीक है, एंड प्राइमरी इट हैज वन, इट इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो तीनों का कंपैरिजन, ये सबसे ज्यादा होगी एंड दिस इज लीस्ट बेसिक, प्राइमरी वाली लीस्ट बेसिक। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर इज दिस। ये आ गया मेरे पास फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ठीक है, ओके, अब देखिए सेकेंड फैक्टर, स्टीरिक फैक्टर। ठीक है, अगेन अब आप यहां पे देखो, एल्काइल ग्रुप में एक है, इसमें प्राइमरी में एक, सेकेंडरी में दो और टर्शरी में तीन। अब स्टीरिक फैक्टर के अंदर जितने ज्यादा, ये रहा आर एन एच टू, आर आर एन एच, आर एन आर आर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है, लार्जर इज द नंबर ऑफ बल्की ग्रुप्स अराउंड नाइट्रोजन एटम, मोर विल बी स्टीरिक हिंड्रेंस। जितने बड़े ग्रुप नाइट्रोजन के अराउंड होंगे, उतनी ही ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी। देयरफॉर लेसर विल बी एक्टिविटी ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज बेसिक नेचर डिक्रीजेस। ठीक है, तो इसके बेस के ऊपर अब आप देखो, टर्शियरी एमीन विथ
three alkyl group is most sterically hindered. सबसे ज्यादा स्टेरिकली हिंडर कौन है? टर्शरी एमीन, देन सेकेंडरी विथ टू एल्काइल ग्रुप्स, देन प्राइमरी विथ वन एल्काइल ग्रुप. इसका मतलब सबसे ज्यादा बेसिक नेचर फिर किसकी रहेगी? प्राइमरी की, क्योंकि स्टेरिकली हिंडर्ड है टर्शरी. देयरफोर बेसिक नेचर, देयरफोर प्राइमरी एमीन विल बी मोस्ट बेसिक एज इट इज लीस्ट स्टीरिक हिंडर्ड, राइट. ऑर्डर विल बी, अब प्राइमरी सबसे ज्यादा बेसिक, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी. ये रही मेरे पास सेकेंड ऑब्जर्वेशन, डन. अब तीसरा फैक्टर, दैट इज सॉल्वेशन इफेक्ट. जब हम इनको एक्वस मीडियम में डाल रहे हैं, आपने पीछे देखा ना, वॉटर के साथ रिएक्ट करता है, तो उसके बाद जो आयन इनके पास बनता है, हाउ दे विल परफॉर्म टुवर्ड्स सॉल्वेशन व्हेन एमीन्स आर डिसॉल्व्ड इन वॉटर, डिसॉल्व्ड इन वॉटर दे गेट हाइड्रेटेड due to the formation of water, के साथ react करके ही hydration हो जाती है, due to the formation of hydrogen bonding. Larger is the extent of hydrogen bonding, more will be basic nature. ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से. ये रही प्राइमरी एमीन. जैसे ही हम इसको वॉटर में डिसॉल्व करेंगे, आपको पता है क्या बनेगा? इट विल फॉर्म आर एन एच थ्री पॉजिटिव और उसके साथ ओ एच नेगेटिव. ठीक है, अब देखना जरा, ये वाला जो हमारे पास है R, N के साथ लग गए तीन हाइड्रोजन, राइट. अब ये हाइड्रोजन, इट विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स? थ्री, क्योंकि तीन हाइड्रोजन अवेलेबल है. सेकेंडरी हम इनका देखते हैं, R2NH विद वाटर. ये रिएक्शन शुरू में किया आपने, R2 NH2 positive OH negative. अब देखो जरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, R N R, इसके साथ लग गए दो हाइड्रोजन, तो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे दो वाटर मॉलिक्यूल. ठीक, टर्शियरी एमीन R3N plus water, it will form R3NH positive OH नेगेटिव. जरा इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें, R R R और इसके साथ लगा है एक H, R R R और एक H, तो इसके साथ हाइड्रोजन बनाएगी कौन? सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल. क्लियर. अब सबसे ज्यादा, दिस इज मोस्ट बेसिक, क्योंकि जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ही ज्यादा बेसिक. दिस इज लीस्ट बेसिक. ठीक है, देयरफोर ऑर्डर. ओके, मैं इस चीज को हटा रही हूं यहां से, आई नीड दिस स्पेस. देखो, सॉल्वेशन इफेक्ट के हिसाब से
जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो ज्यादा बेसिक. ओके, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम किसमें है? इन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी. देख लीजिए आप, प्राइमरी में तीन वाटर मॉलिक्यूल और टर्शरी के अंदर सिर्फ एक. देयरफॉर ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर विल बी प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी. ये रही थर्ड इक्वेशन. अब जरा तीनों को कंपेयर कीजिए, फ्रॉम वन टू एंड थ्री. तीनों का कंपैरिजन देखो, वन में है टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी. सेकेंड में है प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी. और थर्ड में आ गया प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी. दो बार प्राइमरी आगे है, एक बार टर्शरी आगे है. इसका मतलब सेकेंडरी तो हर बार सेंटर में आया, ठीक है? तो सेकेंडरी की बेसिक नेचर सबसे ज्यादा. दो बार प्राइमरी आगे है इसलिए नंबर टू पे आएगा प्राइमरी और नंबर थ्री पे आएगा टर्शरी. तो इट इज हैविंग एनोमलस ऑर्डर. आप इसको वन टू थ्री में नहीं कर सकते, तीनों फैक्टर्स को कंपेयर करेंगे, ओनली देन यू कैन डिसाइड इट्स ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर. क्लियर? ओके. अब ये तो ओवरऑल क्वेश्चन था कि ओवरऑल सिर्फ कंपेयर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. आई मीन अगर आपसे पूछ लिया जाता है गैशियस फेज, गैशियस फेज के अंदर ऑर्डर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन इन गैशियस फेज, तो गैशियस फेज के अंदर सॉल्वेशन इफेक्ट तो आएगा नहीं. तो इट विल बी स्पेशली इन केस ऑफ इथाइल एमीन, इट इज टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट. ठीक है? और अगर सिर्फ सॉल्वेशन का पूछा जाए, जस्ट सॉल्वेशन इन एक्वस मीडियम, तो एक्वस मीडियम तक पहुंचने से पहले वो गैशियस फेज में है, तो ऑर्डर क्या आएगा? सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन टर्शरी. ठीक है? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एरोमेटिक एमीन्स आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक एमीन्स, और एनिलीन इज लेस बेसिक देन इथाइल एमीन. क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है. एलिफेटिक तो ज्यादा बेसिक है अमोनिया से, लेकिन एरोमेटिक आर लेस बेसिक. कैसे? अभी हम देखते हैं. ये है मेरे पास एनिलीन, ठीक है, और C2H5NH2, दिस इज इथाइल एमीन. ठीक है, इधर प्रेजेंट है C6H5 फिनाइल ग्रुप, इधर प्रेजेंट है C2H5 इथाइल ग्रुप. एक एरोमेटिक ग्रुप और एक एलिफेटिक ग्रुप. तो यहां पे देखिए, इथाइल ग्रुप इज हैविंग प्लस आई इफेक्ट और फिनाइल ग्रुप हैज माइनस आई इफेक्ट. ठीक है? अब देखो, इन इथाइल एमीन ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ इथाइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ओवर नाइट्रोजन एटम, देयरफॉर लोन पेयर is more available for donation. Thus, basic nature increases. Right? अब देखिए, in aniline, due to minus I effect of फिनाइल ग्रुप, लोन पेयर
is involved in conjugation with benzene ring and not available for donation. कैसे? अब देखो इसकी रेजोनेंस. हमें टोटल पांच स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, इसलिए मैं पहले ही पांचों स्ट्रक्चर्स बना लेती हूं, सो दैट सिर्फ बॉन्ड्स को ही मुझे रोटेट करना पड़े. ठीक है, अब पहला स्ट्रक्चर एज यूजुअल, सेकेंड स्ट्रक्चर में सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशंस चेंज. क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट है, ये लोन पेयर शिफ्ट होगा इधर और ये वाला इधर, जैसे फिनोल में होता था. डबल बॉन्ड NH2 नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहां आ गया नेगेटिव. अगेन डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव चार्ज, अब ये वाला नेगेटिव इधर और ये वाला आगे यहां पहुंच गया. नेक्स्ट स्टेज के अंदर ये बॉन्ड इधर और ये वाला इधर. ये सारे स्ट्रक्चर्स आप पहले बना चुके हैं, NH2 की जगह आप फिनोल समझ के चलिए. अब ये वापस, तो ये वापस इधर, फिर से फर्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा. फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर 1, 2, 3, 4 एंड 5. अब इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड देखते हैं. डबल बॉन्ड पूरी रिंग पे घूम गया, यहां पे भी डबल बॉन्ड इसके साथ NH2, इसके ऊपर आया डेल्टा पॉजिटिव और रिंग के ऊपर आ गया डेल्टा नेगेटिव. ठीक है, ओके. अब मैं इसे हटाने लगी. इसके बाद आप क्या लिखेंगे? इट इज क्लियर फ्रॉम रेजोनेंस हाइब्रिड दैट नाइट्रोजन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज ओवर इट ड्यू टू रेजोनेंस. दस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is not available over nitrogen for donation. Therefore, basic nature decreases, right? Fir, thus aniline is less basic than इथाइल एमीन. या फिर कॉमन क्वेश्चन आ जाए एरोमेटिक एमीन्स और एलिफेटिक एमीन्स के बारे में. ठीक है, नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेसिक नेचर. बेसिक नेचर के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इंपैक्ट है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ओके, क्योंकि ये बेसिक नेचर है, H पॉजिटिव एक्सेप्ट करती है और NH3 पॉजिटिव बना लेती है. इन दोनों स्ट्रक्चर्स के ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया हो, व्हाट विल हैपन? ये क्या करेगा? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा. ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट विड्रॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी towards itself, therefore decreases the electron density over nitrogen atom and making lone pair less available for donation. Therefore,
बेसिक नेचर डिक्रीजेस, ठीक है। दूसरी तरफ जब उसने एच पॉजिटिव दे ही, इसने ले ही लिया, मीन्स इसने लोन पेयर दे दिया एज अ बेस बिहेव कर लिया, तो इस ग्रुप की वजह से क्या इंपैक्ट आ रहा है? इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा है तो पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस पॉजिटिव चार्ज ओवर नाइट्रोजन एटम एंड मेकिंग एंड मेक द केटायन मोर अनस्टेबल। एक तो पहले ही अनस्टेबल है नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आकर, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मेक द आयन मोर स्टेबल, मोर अनस्टेबल, देयरफॉर डिक्रीजेस बेसिक नेचर। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए तो बेसिक नेचर कम हो जाएगी, ठीक है। देखो ये है मेरे पास एनिलीन, ये रही एनिलीन के साथ ऑर्थो पे नाइट्रो, और ये रहा एनिलीन के साथ पैरा पे नाइट्रो। तो इट विल बी द ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर, इसकी बेसिक नेचर सबसे ज्यादा होगी, ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर, एनिलीन ग्रेटर देन ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन देन पैरा नाइट्रो एनिलीन। क्वेश्चन आ जाता है ऑर्थो की बेसिक नेचर पैरा से ज्यादा क्यों होगी? अब देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेता है। ये पैरा पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, सिमेट्रिकल होने की वजह से, ठीक है, सिमेट्रिकल होने की वजह से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये अपनी तरफ को स्ट्रेच करेगा एंड लेस अवेलेबिलिटी विल बी ओवर हियर। यहां पे नाइट्रो ग्रुप इट इज प्रेजेंट नियर इट, लेकिन ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता जितना ये स्टेबल करता है, इसलिए ये आता है ऑर्थो आता है बीच में और पैरा आता है बाद में। अब अगर नंबर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, यहां पे लगा है एक, यहां लग गए दो, ठीक, और यहां पे लग गए तीन, तो जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ते जाएंगे बेसिक नेचर उतनी ही कम होती जाएगी। जिसमें एक लगा है उसकी बेसिक नेचर ज्यादा, थोड़ा कम उसने स्नैच किया, जिसमें दो है नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हो गई, जब तीन लोग लग गए उसे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हो गई। तो इट इज द इंपैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब देखिए इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में आगे एल्काइल ग्रुप, देन कोई भी हमारे पास एल्कोहलिक ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप, एमिनो ग्रुप, ठीक, दीज आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर नाइट्रोजन एटम, देयरफॉर मेकिंग द लोन पेयर मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन, दस इंक्रीजेस इट्स बेसिक नेचर। इधर पॉजिटिव चार्ज और ये प्लस आई इफेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, यहां पे भी ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ओवर, ठीक है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ओवर नाइट्रोजन एटम एंड पॉजिटिव चार्ज
decreases, thus making it stable. Therefore, electron losing group increases. Basic nature of amines. ठीक है, ओके. अब देखो एग्जाम्पल. एक तरफ है एनिलीन और ये रहा NH2CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. तो इसकी वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल रहेगी क्योंकि ये बेंजीन रिंग तो अपनी तरफ खींचती है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाती है. तो इट मींस इट विल बी मोर बेसिक मिथाइल एनिलीन. दिस इज 2-methyl aniline. इट विल बी मोर बेसिक देन एनिलीन. क्वेश्चन 2 का कंपैरिजन भी आ सकता है, 2 से ज्यादा का कंपैरिजन भी आ सकता है. ठीक है, ओके. अब देखना, एक मेरे पास ये भी आ गया NH2 और NO2. अब आपने बताना है इसमें से सबसे ज्यादा और कम बेसिक कौन. इसमें लगा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इसमें लगा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. तो बेसिक नेचर डिक्रीजेस, बेसिक नेचर इंक्रीजेस. ठीक है, तो सबसे कम बेसिक कौन होगा. नंबर 1, नंबर 2, दिस विल बी नंबर 3. समझ आई बात. सबसे कम बेसिक कौन होगा, ये. इससे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, इसकी. और सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी इसकी. तो अगर मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखूं तो ये आएगा सबसे कम वाला NH2, इससे ज्यादा एनिलीन और सबसे ज्यादा 2-methyl aniline. क्लियर. अब जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे प्लस साई इफेक्ट के, उतनी ही ज्यादा उसकी बेसिक नेचर भी बढ़ती जाएगी. ठीक है, ओके. अब एक साइड चेन वाला कंपैरिजन देखते हैं. ठीक, आउट ऑफ एनिलीन एंड बेंजाइल एमीन, एनिलीन एंड बेंजाइल एमीन, विच इज मोर बेसिक. ठीक, ये रही एनिलीन और ये रही बेंजाइल एमीन. ठीक है, इस एमीन को आप एरोमेटिक तो लेंगे लेकिन ये नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ी है, कार्बन के साथ. ठीक है, अब यहां देखो, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन gets involved in conjugation with benzene ring. ठीक, इधर lone pair is not attached to benzene ring. Therefore, do not involved in resonance. Resonance में involved नहीं होता. Conjugation और resonance एक ही बात है. Conjugation और resonance. Do not involved in resonance. Therefore, available for donation. ठीक है. Therefore, not available for donation. Thus, benzyl amine is more basic than aniline. तो इस तरह के छोटे छोटे pairs, एक एक number में आपसे
कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक, अब आप अगर एक और हल्का सा कंपैरिजन मैं आपको दूं, तो सबसे ज्यादा बेसिक हमारे पास एलिफेटिक एमीन्स, उसके बाद इनका नंबर आता है साइड चेन वालों का, और सबसे लास्ट में आती हैं एरोमेटिक। एलिफेटिक, साइड चेन एंड एरोमेटिक। अब चाहे ये कंपाउंड आ जाए या आपको जर्नल आ जाए, तो इसका ध्यान रखना है। इसकी एक्सप्लेनेशन ये रही, इसकी एक्सप्लेनेशन प्लस आई इफेक्ट वाली लोन पेयर बढ़ जाता है, और इसकी एक्सप्लेनेशन ये वाली। क्लियर? अब देखो, ये तीनों इकट्ठे आ जाए, तब दो आ जाए, तब कोई भी कंपैरिजन आए, एलिफेटिक एमीन्स सबसे ज्यादा बेसिक, उसके बाद साइड चेन, क्योंकि साइड चेन में वो एल्काइल ग्रुप के थ्रू ज्वाइंट है और वो आगे फिनाइल ग्रुप के साथ भी है, मतलब हल्का सा माइनस आई भी है, लेकिन इसका इंपैक्ट ड्यू टू डिस्टेंस कम है, और यहां पे ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ओवर नाइट्रोजन, देयरफॉर मोर अवेलेबल लोन पेयर नाइट्रोजन एटम, देयरफॉर लोन पेयर मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन। इधर लोन पेयर इज नॉट इन रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग, देयरफॉर अवेलेबल फॉर डोनेशन, और यहां पे इट इज इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग, देयरफॉर नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन। सो ऑर्डर विल बी एलिफैटिक एमीन्स मोर देन साइड चेन एमीन्स मोर देन एनिलीन। फर्स्ट रिएक्शन के बेसिक नेचर, रिएक्शन विद वॉटर। अब देखिए, रिएक्शन विद एसिड्स, इससे बनते हैं सॉल्ट, सेम जैसा वॉटर के साथ बना था। ये है RnH2, ठीक है, प्लस HCl, पहले HCl के साथ लिख लेते हैं। यहां से निकला H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और वॉटर को कंसीडर करो H एंड OH, ये H पॉजिटिव इसके पास, ये बन गया RnH3 पॉजिटिव, और बाहर क्या लग गया Cl नेगेटिव। ठीक है, अब मैं R नहीं लिखूंगी, प्राइमरी अमीन के बाद सारी अमीन हम इसको सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, R इज इक्वल टू लेट इट बी C2H5, या मिथाइल ले लेते हैं, लेट इट बी CH3। ठीक है, तो ये थी पहली रिएक्शन, CH3 एंड H2 प्राइमरी अमीन प्लस HCl, और ये बन गया CH3 NH3 पॉजिटिव, और बाहर Cl नेगेटिव। दिस इज मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, वहां हाइड्रोक्साइड था। अब देखते हैं सेकेंडरी अमीन, दो तरफ लगा है मिथाइल, एक तरफ हाइड्रोजन, एक और एच पॉजिटिव आया इसके पास, ये बन गया CH3 CH3 H H, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Cl नेगेटिव। नाउ दिस इज डाई मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, डाई मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। थर्ड देखते हैं, तीनों तरफ लगा है मिथाइल ग्रुप, ठीक, प्लस HCl, अगेन ये H पॉजिटिव इसके पास आ जाएगा। अब देखो, नाइट्रोजन के चारों तरफ लग गया मिथाइल, और यहां आगे हाइड्रोजन, Cl नेगेटिव। नाउ दिस इज ट्राई मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, राइट? अब यहां पे आप मिथाइल की जगह पे इथाइल यूज कर सकते हो। अब रही एसिड की बात, मैंने एसिड यूज किया H2SO4, यहां से क्या जाएगा H पॉजिटिव, बाकी क्या बचा HSO4 नेगेटिव, तो यहां Cl नेगेटिव की जगह पे क्या लग जाएगा HSO4 नेगेटिव, एंड इट विल फॉर्म बाई सल्फेट। ठीक, और अगर ये दो यूज कर ले, दो मॉलिक्यूल यूज करे, तो इट विल फॉर्म R NH2 टू मॉलिक्यूल्स, तो यहां से H2SO4, ये दोनों H इधर, एक H एक मॉलिक्यूल के पास, दूसरा दूसरे के पास, एंड यू विल गेट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ R NH2, ये बन गया R NH3 twice SO4
टू नेगेटिव, यही बनेगा। और अब ये सल्फ्यूरिक एसिड का, अब ऐसे लिखा हो सोडियम सल्फेट Na2, क्योंकि इसका नेट चार्ज क्या है 1 पॉजिटिव, तो ये इस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड दो तरीके से ऐड हो सकता है। ये मैंने प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शंस लिखी, आपको इसको सेकेंडरी और टर्शियरी के साथ लिखना है, एक बार इनकी रिएक्शंस, एक बार इनकी। अब जैसे इसी की मैं सेकेंड वाली लिख के दिखाऊं आपको, तो इट विल बी H2SO4, यू विल गेट R2 R R, दो तरफ H और बाहर आ गया बाइसल्फेट। और अगर इसी के आप दो मॉलिक्यूल यूज करेंगे, देन यू विल गेट R N R H H, पॉजिटिव चार्ज सल्फेट, ठीक है। तो एसिड्स के साथ ये सॉल्ट्स बनाते हैं, ये बाइसल्फेट भी बना सकता है और सल्फेट भी बना सकता है। ये थे सेकेंडरी और टर्शियरी के लिए आप इनको यूज करेंगे। इसका आंसर नहीं लिखूंगी, मेरे को लिख के भेजना, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांजिशन मेटल्स के साथ रिएक्शन करके एमीन्स बनाती हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। देखो मेरे पास है सिल्वर क्लोराइड और मुझे इसको रिएक्ट करवाना है C2H5NH2 के साथ, दिस इज इथाइल एमीन, ठीक है। हमने लिए इसके दो मॉलिक्यूल, अब देखना ये दोनों मॉलिक्यूल सिल्वर के साथ, दिस इज सिल्वर CH3CH2NH2 ट्वाइस और Cl नेगेटिव बाहर, क्योंकि आपको पता है सिल्वर की सेकेंडरी वैलेंसी इज 2 एंड प्राइमरी वैलेंसी इज 1। इसका अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो इट विल बी NH2 CH2 CH3 NH2, या मैं सीधा लिख दूं C2H5, जैसे यहां लिखा ना C2H5, यहां पे भी ऐसे लिख लेते हैं C2H5 NH2, ठीक है। दो मॉलिक्यूल, तो मैं इसको भी ऐसे लिख देती हूं, थोड़ा छोटा लगेगा C2H5। ये रहा रिंग के अंदर, दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड हैं और Cl नेगेटिव बाहर, ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है, ओके। इसी तरीके से कॉपर सल्फेट विल आल्सो रिएक्ट विद इथाइल एमीन, लेकिन कॉपर सल्फेट की सेकेंडरी वैलेंसी होती है 4, तो ये कैसे कंबाइन करेगा, कॉपर के साथ लग गए 4 इथाइल एमीन एंड सल्फेट आउटसाइड, तो ये कैसे होगा, कॉपर 1 2 3 4, NH2 C2H5 NH2 C2H5 NH2 C2H5 NH2 C2H5, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या होगा, सल्फेट। दिस इज टेट्रा इथाइल एमीन कॉपर टू सल्फेट, टेट्रा इथाइल एमीन, टेट्रा इथाइल एमीन कॉपर टू, थोड़ा स्पेस छोड़कर सल्फेट, ठीक है। अब अगर आप इसका नाम लिखते हैं सिल्वर का, तो आप लिखेंगे दो हैं, दिस इज डाई इथाइल एमीन सिल्वर 1 क्लोराइड, राइट। सो आज के वीडियो में इतना ही, बात करेंगे कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स के बारे में इन आर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड यस कंप्लीट योर नोट्स।